गर्मियों से तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल ही चुकी होती है, लेकिन उसी समय समर वेकेशन तुम्हारी जिंदगी में वरदान बन के आता है। सर एक नोटिस है। हाँ बच्चों देखो, तुम्हारी गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो रही है 15 मई से लेके 20 जून तक। बहुत शांत बच्चे हैं। समर वेकेशन एक ऐसा समय जो किसे नहीं पसंद। समर वेकेशन का नाम सुनते ही सब बच्चे प्लानिंग करने लगते हैं। भाई हॉलीडे पे कहाँ जा रहा है? भाई मैं तो गोवा वाले बीच पे जाऊंगा, और वहाँ पे गोवा वाले बीच पे। भाई तेरा तो सही है यार, मैं तो अपने नानी घर जाऊंगा। मेरी तो नानी भी नहीं है, मैं तो अपने दादी घर चला जाऊंगा। गोवा तो मैं पिछले हफ्ते ही गया था, और मनाली कश्मीर शिमला तो हम जाते रहते हैं अक्सर। इस बार मम्मी ने कहा स्विट्जरलैंड चलेंगे, आफ्टर ऑल हम अंबानी के खानदान से हैं। तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसा जरूर होता है जो हमेशा नए नए जगहों पे घूमने जाता है और फिर बाद में आके तुम्हारे सामने फ्लैक्स करता है। स्पेशली आई हेट दिस टाइप ऑफ पर्सन। भैया मुझे यहाँ पे जरा सा भी मन नहीं लग रहा है। पिछली बार मम्मी ने कहा था कि हम अगली गर्मी छुट्टियों में कहीं नहीं गए तो कम से कम नानी घर जरूर जाएंगे। हाँ छोटे मेरा अभी यहाँ पे मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। 5 सालों से हम लोग नानी के घर नहीं गए हैं। मेरे सभी दोस्त कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैंने भी फेंक दिया कि मैं भी गोवा जा रहा हूँ। मैंने भी फेंक दिया कि हम लोग शिमला जा रहे हैं। मुझे अब गर्मी की छुट्टियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ यार मुझे भी अगर ऐसी गर्मी की छुट्टियाँ मिलनी है तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मी की छुट्टियाँ उतनी भी बुरी नहीं जाती थी, जैसे सुबह 8 बजे उठना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर टीवी देखना, फिर सो जाना, फिर 4 बजे उठना, फिर से खाना खाना, टीवी देखना, घर वालों की गालियों सुन के 2 घंटे पढ़ने बैठना जिसमें से सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, और फिर सो जाना। और कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ एडवेंचरस भी हो जाता था, जैसे हम कभी किसी कुत्ते के पीछे पड़ जाते थे या सब कुत्ते मिलके हमारे पीछे पड़ जाते थे। और मेरे कुछ ऐसे दोस्त जरूर थे जिनकी जिंदगी मेरी ही तरह थी, लेकिन वो इस पूरे समर वेकेशन में एक बार वाटर पार्क और एक बार थिएटर जरूर जाते थे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में आज तक ना वाटर पार्क गया हूँ ना थिएटर गया हूँ। गर्मियों में तुम्हारे पास 2 और एडवेंचरस चीजें होती है, जैसे आइसक्रीम खाना और कूलर में पानी भरना। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचा होता है और तुम्हारा हाथ चलता नहीं दौड़ता है, क्योंकि तुमने पूरी गर्मियों में तो सिर्फ बकलोली ही करी है। गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद स्कूल का पहला दिन। और बेटा विक्की कहाँ गए थे घूमने? मैं तो स्विट्जरलैंड गया था। और बेटा डूड तुम कहाँ गए थे घूमने? मैम वो मेरी फैमिली गोवा गए थे। हाँ गोवा गए थे, 1 वीक का ट्रिप था। हाँ तो नेक्स्ट वीडियो को आने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं अभी कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें ट्राई कर रहा हूँ जो अभी मेरे खुद के औकात से बाहर है। और थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी हो गए। तो कुछ नेक्स्ट लेवल आने वाला है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और टाइम मतलब 1-1.5 महीने या फिर उससे ज्यादा लग सकता है, 2-3 महीने भी लग सकता है। तो टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में वीडियोज अपलोड करता रहूंगा अगर मुझे लगा ज्यादा टाइम लग रहा है तो।